महिला मंडल ने विकास किया है, पर सोचना है कि वर्तमान की जो आंधी है, वर्तमान का जो चिंतन है और वर्तमान का जो एक वेग आ रहा है, सारे दिन कुछ चलता है, कितने महिलाओं को, कन्याओं को बचा सके, इस दिशा में चिंतन होना जरूरी है। इस आंधी से कैसे उबार सके, आज पश्चिम रात्रि को हम लोग बैठे थे और हमारा पश्चिम रात्रि को कुछ चलता है, सब साधु इकट्ठे होते हैं, तो प्रसंग आया कि स्वाध्याय, स्वाध्याय में रमण कौन करता है। तीन बड़ी बाधाएं हैं, एक तो नींद, तो निर्देश दिया गया कि निद्दम न बहु मन्नेजा, निद्रा को बहुमान मत दो, नींद लो पर उसको बहुमान मत दो। दूसरा संपहा सम विभज्जय, केवल समय मनोरंजन हांसी मजाक मखोल में न बीते, नहीं तो फिर स्वाध्याय हो नहीं सकता। तीसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मिहो कहा हिम न रमे, मिथे कथा यानी काम कथा, यह ज्यादा भयंकर बात बनती है। जब इसका बाहुल्य होता है और इसमें आदमी लग जाता है तो सब गौण हो जाते हैं। आज तो ऐसा लगता है पूरे समाज का चित्र, मैं भी कहूँ पूरा चित्र तो सामने नहीं है, पर काफ़ी चित्र सामने आ रहा है कि काम कथा में सब कुछ आ जाते हैं, और ज़्यादा जो सेक्सुअल प्रवृत्तियाँ आज जिस प्रकार दिखाई जा रही है और जिस प्रकार समाज में एक नई उत्तेजना पैदा की जा रही है, ये सारा चलता है। तो महिला मंडल का अधिक दायित्व है कि इस राग के साथ, रागात्मक प्रकृति के साथ विराग को कैसे पैदा कर सकें और कैसे विराग का वातावरण बना सकें। मैं मानता हूँ समाज रागात्मक होता है, कभी पूरा बैरागी समाज नहीं बनता, किंतु जब राग और विराग का संतुलन न हो तो अनेक समस्याएं पैदा होती है, और आज ये समस्याएं इतनी बन रही है इसलिए कि हमारे सामने कुछ चित्र आते हैं। भाई आया कि मेरी लड़की किसी के साथ चली गई, ये हो गया, ये हो गया, आए दिन ये समस्याएं आती है। इसका कारण कोरा रागात्मक, रागात्मक वातावरण सामने आता है, वैराग्य का आता नहीं है। आज आवश्यकता है कुछ वैराग्य की बात भी आए।